हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एनटीए ने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो कि सितंबर में होना है उसके जो सारे जो शेड्यूल हैं, टाइमिंग है, डेट है, सारे जारी कर दिया है। तो मैं आप लोगों को छोटा सा न्यूज़ यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट्स का देख लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है और कितने बजे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो 24 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है, 24 सितंबर से एग्ज़ाम है और 9 o'clock से 12 noon तक है, यानी कि 3 घंटे का पेपर है, जिसमें से 24 तारीख को किस किस सब्जेक्ट का पेपर आप देख सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन है, चाइनीज़ है, कंपरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है। यहाँ पर मैं आप पॉज करके देख सकते हैं इस तरीके से। और शाम के जो शिफ्ट में है, 2 शिफ्ट में पेपर है, 3 PM से लेके 6 PM तक भी है कुछ सब्जेक्ट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 25 सितंबर को भी पेपर है, जिसमें 9 से 12 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो है साइकोलॉजी है, म्यूजोलॉजी, फ्रेंड्स, फॉरेंसिक साइंस, फोल्क लिटरेचर, क्रिमिनोलॉजी, ऐसे तरीके से सब्जेक्ट्स हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी एग्ज़ाम है। तो और आफ्टरनून शिफ्ट में आप देख सकते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम है। देन 25 के बाद सीधे 29 सितंबर को एग्ज़ाम है, जो कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका जिसका एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉ एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, दैट इज़ 9 to 12 PM, यानी कि 29 सितंबर को एग्ज़ाम है। आज है आपका 19 सितंबर और 10 दिन बचा हुआ है, अपने सारे मेहनत को झोंक दीजिए इसमें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए सो दैट आप JRF को हासिल कर सकें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं 30 सितंबर को मैनेजमेंट का पेपर है और 30 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर है। इस तरीके से 1 अक्टूबर को भी है, 7 अक्टूबर को है, 9 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को जो है पेपर है और 5 नवंबर तक चला है ये पेपर। 5 नवंबर के बाद यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो पहले आंसर की जारी होती है, तो आंसर की जो आएगा आपका विद इन 1 वीक में आ जाएगा, यानी कि 12 नवंबर तक आपका आंसर की और 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यह था नोटिफिकेशन, छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा, अपने सारे क्वेरी को कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, रिप्लाई करूँगा। और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और तैयारी कीजिए सो दैट 10 दिन का भी टाइम बहुत टाइम होता है यदि आप पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए हैं। तो अभी आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए सो दैट जो है टाइमिंग का जो है टाइमिंग मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में रहेगा कि कितने कुछ किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। इस तरीके से आप JRF को हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।